तो अभी रात के 8 बजे हुए हैं, प्रिशा रेडी हो गई है, हम लोग डी मार्ट जा रहे हैं। हमारे घर में ना कप खत्म हो गए हैं, चाय पीने वाले जो कप होते हैं ना वो खत्म हो गए, तो हम सोच रहे हैं आज ले आए, मौसम भी अच्छा हो रहा है घूमने वाला। और हमने सोचा चलो ले आते हैं, प्रिशा रेडी हो गई, कप्स भी लेने, और बहुत सारे जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं वो भी देखो थोड़े थोड़े दिन पे खत्म हो ही जाते हैं। जैसे हमारा कपड़े धोने का लिक्विड है वो खत्म हो रहा है, देन हैंड वॉश, फिनाइल, हार्पिक, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं, कभी कुछ खत्म हो जाता है तो कभी कुछ। तो जब भी जाते हैं हम लोग याद कर करके चीजें लिख लेते हैं। आगे की लाइट ऑफ कर दो शो ना, बड़ी वाली। ये वाला सूट पहना है मैंने, ये बहुत अच्छा है, धुलने के बाद भी देखो सिकुड़ा नहीं, ढीला ही है। ये XXL साइज था जो कि मेरे को XL चाहिए था, मैंने बड़ा मंगवा लिया बट चलेगा। और खाना बहुत टेस्टी बना था दिन में, और आजकल तो विवेक नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं और सच में बहुत अच्छा खाना बनाने लगे हैं। पता नहीं इनको खाना बनाने का शौक कहाँ से चढ़ गया है, बहुत ही टेस्टी खाना बना था इन्होंने। जो मूंग बनाए थे ना, मूंग की सब्जी, मतलब बिल्कुल कोई खा के कह नहीं सकता कि वो मैंने बनाई है या इन्होंने बनाई है, इतनी बढ़िया इन्होंने बनाई हुई थी। अभी की यूनिफॉर्म धुल गई है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे सुखा दी मैंने और प्रिशा ने मिलके, और डांट रही है प्रिशा किसी बात पे देखो। चलो चलते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आते हैं, कुछ ना कुछ घर में ऐसी चीजें हो जाती हैं, खत्म हो गया वो खत्म हो गया, घर का घर गृहस्थी का नाम ही क्या है, कभी कुछ खत्म तो कभी कुछ खत्म। चलो बैग ले लेती हूँ, ये वाला यही लेती हूँ मैं आजकल, तो बहुत टाइम से तो मैं यही निकाल रखा है। आजकल वैसे भी बारिश हो रही है ना, तो फिर एक ही बैग निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि फिर दूसरे निकालूंगी तो फिर सारे बारिश में हो जाएंगे। कई बार बारिश में भीग भी गया है, लेकिन जूक की तारीफ करनी पड़ेगी कि बारिश में भीगने के बाद भी ऐसे का ऐसा ही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। डी मार्ट के बहाने एक आउटिंग सी भी हो जाती है और घर का सामान भी आ जाएगा। मुझे ना प्रेमा लिखा ने लिखा है, रुचि एल्युमिनियम की कढ़ाई का कम इस्तेमाल करो, थैंक यू आपके फीडबैक के लिए। मैं इसीलिए मैंने वो तसले वगैरह खरीदे हैं, तो मैं बिल्कुल अब इसे धीरे धीरे डिस्कार्ड कर दूंगी। और कृतिका यादव लिख रही हैं, आपके व्लॉग बहुत अपनेपन सा लगता है, आपके व्लॉग को देख के जैसे कि फैमिली मेम्बर्स हो, लव यू सो मच डियर, और ऐसे ही आप साथ में बने रहो। सुषमा चौधरी लिख रही हैं, आप दोनों बहुत अच्छे हो, लव यू रुचि। नीलम शर्मा ने लिखा है, वेरी ब्यूटीफुल कपल, योर वेरी ब्यूटीफुल रुचि, योर हस्बैंड्स फेस इज़ वेरी इनोसेंट, लव योर केमिस्ट्री। ओ माय गॉड, लव यू नीलम। इतना रेगुलर पनीर की सब्जी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, हाँ आपकी बात तो सही है, पर हमारे यहाँ अभी बड़ा शौकीन है। और पूनम शर्मा ने भी लिखा है कि आप स्टील की कढ़ाई में कुक करो। और तुम दोनों क्या क्या लिखा हुआ है, जस्सी माही इंग्लैंड से कमेंट कर रही हैं, और बहुत दिनों बाद आपका व्लॉग देखा, लव योर सेल्फ आई करके आईडी है, और आप कितना ज़्यादा सॉफ्ट माइंड हो दी, लोग आपको कितना गलत बोल देते हैं फिर भी आप उनका रिप्लाई इतने सॉफ्ट वे से करते हो, आपके अंदर बहुत पेशेंस है, लव यू। तो हम लोग डी मार्ट पहुँच चुके थे, और यहाँ पे ऑफर्स की तो बात करूँ तो क्या ही बोलूँ, डी मार्ट तो सच में सबसे सस्ता है। पहले मैंने सुना था लेकिन मेरे सिटी में आया तब मुझे पता चला। SS व्लॉग्स करके है जिन्होंने लिखा है, ब्यूटीफुल कपल एवर। और पता है मैंने व्लॉग में आपसे पूछा था ना कि आप बताइए कि मैं विवेक के 50th बर्थडे पे क्या करूं, तो एक मेरे पास फेसबुक मैसेंजर पे कमेंट आया है, मतलब मैसेज आया है, मैं जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया है कि घर में हवन वगैरह करो। और किसी ने लिखा है, प्रिशा का फेस सोनाक्षी सिन्हा की तरह लगता है, दीदी रोज़ व्लॉग डाला करो। देखिए आज मैं 2 व्लॉग डालने जा रही हूँ, अब ऐसे ही रोज़ 2-2 व्लॉग डालना शुरू करूँगी, ठीक है। कोशिश तो बहुत करती हूँ पर इंस्टाग्राम के भी कोलैबोरेशंस होते हैं, रील्स होती हैं, तो कई बार रह जाता है। वैसे ज़्यादा लोगों ने मुझे सजेशन नहीं दिया है कि मैं विवेक के बर्थडे पे क्या करूँ, आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो। और देखो यहाँ हम लोग कप्स देख रहे थे, देखो ये कप तो वैसा ही है जैसे मेरे घर में ऑलरेडी हैं, बट मुझे पता है कैसे कप चाहिए, बड़े बड़े मग्स तो मेरे घर में बहुत सारे आपने देखा होगा ऐसे ऐसे साइज़ के, मुझे थोड़े स्मॉल चाहिए इस टाइप के। तो एक तो मुझे ये अच्छा लगा था प्लेन वाला, और एक डिज़ाइन वाला बहुत पसंद आया था। देखो ये बोर्ड लिया, खराब हो गया था ना, ये 99 रुपीस का है सिर्फ, इसके बैग में ना डब्बे नहीं आते, प्रिशा के बैग में ऐसा होता है ना, ये पतला लिया मैंने। लेने जाते हैं थोड़ा सा सामान, लेकिन पता है क्या होता है, कुछ ना कुछ दिख ही जाता है एक्स्ट्रा। विवेक हमेशा कहते हैं कि जब भी तुम लोग शॉपिंग करने जाते हो, जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा शॉपिंग करके ले आते हो, तो ये तो होता ही है। और ये ग्लास देख रहे थे विवेक, इनको चाहिए थे क्योंकि घर में ग्लास बिल्कुल ख़त्म होने पर आए हैं, तो डी मार्ट में ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं और काफ़ी अफोर्डेबल। मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया, कितने में मिला,
और फिर हमने देखने लगे हम राखी, क्योंकि ऑब्वियसली रक्षाबंधन की तैयारी शुरू हो चुकी है सभी की, आपकी भी शुरू हो चुकी होंगी। इनफैक्ट मैंने गिफ्ट हैम्पर भी शेयर किया है इंस्टाग्राम पे, आपने देख ही लिया होगा, और आज उसको एज अ शॉर्ट वीडियो भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी, चेक कर लीजिएगा किसी को ऐसे कस्टमाइज्ड बनवाना हो तो रक्षाबंधन के लिए गिफ्ट। पता है जब मैं राखी खरीद रही थी ना, तो थोड़ी देर के लिए अपसेट हो गई थी, भाई की याद आ गई थी। नो डाउट मैं तो गणपति को राखी बांधती हूँ, और अभी देखिए क्या होता है ना, एक सगा भाई दुनिया में होता है ना तो एक बात ही अलग होती है, और अब वो दुनिया में नहीं है मेरा भाई ना, लास्ट ईयर गुजर गया है, आपको भी पता होगा, तो एक तकलीफ होती है। मतलब रक्षाबंधन त्यौहार आता है ना तो दर्द होता है थोड़ा सा। हम लोग वापस आ गए हैं शॉपिंग करके, और मैंने कपड़े वगैरह बदल लिए हैं। हमने आज डीमार्ट से बहुत सारी शॉपिंग करी है, ग्रॉसरीज भी करी है, और कुछ वो भी लिए हैं ग्लासेस वगैरह, मैं आपको दिखाती हूँ। चलो थोड़ा दूर कर देते हैं कैमरा को। कांच के ग्लासेस, देन कप्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें भी ली हैं और ग्रॉसरी भी ली है। फटाफट आपको दिखाती हूँ, है ना। आते हुए हमें कितने बजे थे, 10:30 हो गए थे, अभी 11:30 हो रहा है। आने के बाद थोड़ा बैठे हम लोग एक सीरीज देख रहे थे, फिर मैंने इनको बोला चलो मेरा शूट कंप्लीट कर लूँ, मैं ब्लॉग कंप्लीट कर लूँ। तो मैंने लिए हैं ये ग्लासेस, देखिए, जैसे कि कभी ये लोग ड्रिंक्स वगैरह करते हैं फ्रेंड्स वगैरह या समथिंग, घर में कोई आए जूस वगैरह पिलाना हो तो ये ग्लास। ये कॉस्टिंग क्या थी इनकी मुझे याद नहीं है, मैं इसमें पढ़ के बताती हूँ आपको, कहीं तो लिखी होगी ना, 249 रुपीज लिखा है। 6 ग्लास का सेट है, और देखो कितना सुंदर है, कैसा लगा आपको, और काफ़ी भारी वाला कांच है। 249 लिखा है, लेकिन आई थिंक कुछ डिस्काउंट तो उसमें होगा, एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे याद नहीं है इसका, क्योंकि एक साथ सारा बिल पे किया है, बट बहुत अच्छे ग्लास मिल रहे हैं ये, और काफ़ी खूबसूरत ग्लासेस हैं। इसके बाद लिया है एक चॉपिंग बोर्ड, आप लोग बहुत टाइम से कह रहे थे दीदी आपका चॉपिंग बोर्ड खराब हो रहा है, तो सोचा इस बार ये वाला ले लें, तो ये वाला ले लिया। देखो यूज़ करूँगी तो भी आपको दिखा दूँगी, मस्त है ना चॉपिंग बोर्ड, अच्छा लग रहा है। और इसके बाद में मुझे पार्ले जी कभी कभी बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस बार इन दोनों ने मुझे डाटा, अभी ने और विवेक ने, बच्चा को नींद आ रही है ना, सी ऐसे बच्चे सेक्रीफाइस करते हैं यूट्यूबर्स के। मैं यहाँ शूट कर रही हूँ, उसे यहाँ सोना है, बट ही इज़ वेटिंग फॉर मी, इट्स 11:30। तो ये वाले बिस्किट जो है ये पार्ले जी का ऑल्टरनेटिव है, और लेकिन ये पतंजलि के दूध बिस्किट्स हैं, तो इट इज़ मच मच बेटर देन पार्ले जी। तो ये विवेक ने मेरे लिए और अभी के लिए लिया है, हम दोनों अक्सर खाते हैं चाय के साथ। इसके बाद में मैं आपको कप्स फटाफट दिखा देती हूँ, इसके अंदर पैको क्या है। 6 का सेट लिया है मैंने, मुझे बड़े पसंद आए वो कप्स ना, आई जस्ट लव्ड इट। ये मैंने 6 लिए हैं, कैसे लग रहा है, 6 का लिया है, मतलब 6 कप्स लिए हैं, सेम टोटल 6 लिए हैं, सुंदर है ना, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि साइज ना ज्यादा बड़ा है और ना ज्यादा छोटा है, साइज बिल्कुल परफेक्ट है। और 2 अभी और प्रिशा ने मग लिए हैं, मतलब 1 प्रिशा ने अपने लिए लिया है चाय या कॉफी के लिए, मतलब समटाइम्स चाय पीती है कॉफी पीती है, और अभी तो रोज मेरे साथ चाय पीता है मेरा बाबू, मेरा बच्चा, ये अभी ने लिया है अपने लिए। चल अभी मैं कल कर लूंगी शूट, अरे नहीं। इसके बाद हम लोगों ने, मुझे दुख हो रहा है ऐसे बैठा हुआ है, कुछ ये लिया है, कुछ वेफर्स, इन पे कुछ डिस्काउंट चल रहा था, और ये म्यूजली, म्यूजली पे कितना ऑफ था अभी, 130 रुपीज, म्यूजली पे 130 रुपीज ऑफ था। डी मार्ट से शॉपिंग करने में ये फायदा है, ये केलॉग्स म्यूजली है नट्स एंड फ्रूट सीड्स वाली, और ये मैं पिशा अभी तीनों खाते हैं दूध में डाल के। सो दीज आर द थिंग्स, एंड एक मैंने ये लिया, ये यार ये बहुत अच्छी डील मिल गई, ये 5 लीटर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का लिक्विड है, मेरे यहाँ पे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, और इसकी कीमत सिर्फ 349 रुपीज़ है। जनरली 2.5 लीटर ही 349 रुपीज़ का आ जाता है, और ये 5 लीटर है। नो डाउट ब्रांड न्यू है, इस ब्रांड का नाम है मोर लाइट एक्स्ट्रा पावर लिक्विड डिटर्जेंट फॉर फ्रंट लोड। 5 लीटर का पैक 349 रुपीज़ में, आई वॉज शॉक्ड, काफ़ी सस्ता है ये देखा जाए तो, बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो ये मैंने ले लिया 5 लीटर, मैंने कहा चलो यूज़ तो करके देखें कैसा निकलता है। फिर इसके बाद में हमने लिया है टमाटो केचप, देसी घी गाय वाला, और ये प्रिशा ने एक डब्बा लिया है। एक्चुअली ना ये कॉलेज जाती है ना, तो इसको ऐसा पतला डब्बा चाहिए था, मेरे पास सब मोटे हैं, तो ये बोलती थी मम्मी मेरे बैग में एडजस्ट नहीं होता, तो फिर इसके लिए पतला सा ले लिया। 99 रुपीज़ का है ये सिर्फ, और अच्छा खासा स्पेस है, मतलब बच्ची मेरी ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाती है, क्योंकि लेट जाती है ना, 12:30 कभी 11 कभी 12 ऐसे जाती है, और 3:30-4 बजे आ जाती है, तो इतना इनफ है इसके लिए। परांठा भी रखना हो तो चलता है, ज़्यादा लेके नहीं जाती, तो कहती है बैग में ना ज़्यादा मोटा, बड़ी हो गई कॉलेज में आ गई तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए। एक इसने रेजर लिया है, ये
वीनस का। देन हमने ली है ये छलनी, छलनी मेरे घर में कम होती जा रही थी, और ये चाकू, ये चाकू किसने लिया मुझे पता ही नहीं चला, मस्त चाकू, ये चाकू भी कम होते जा रहे थे। डी मार्ट में सब चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती है। फिर बाकी सब ग्रॉसरीज हैं, जैसे कि ईयरबड एंड ये सिंथॉल का पाउडर मैंने अभी के लिए लिया है क्योंकि इसको स्वेटिंग बहुत होती है तो जरूरत पड़ती है। पास्ताज, देन केक्स, अभी एक केक्स अलग रख दो तो इसमें पिच जाएंगे सारे, ये लो मैं आप तुमको निकाल के दे रही हूँ, सब छोटी टेबल पे रखाना, नहीं तो ये ना क्रश हो जाएंगे अंदर में भी। फिर इसके बाद लिए हैं विवेक ने डेट्स लिए हैं, खजूर, सॉरी बेटा दीदी को बुला लिया, दीदी साथ साथ भर देगी, टाइम नहीं है इतना तो सोना है ना। ये लिया है प्रिशा ने पास्ता एंड पिज्ज़ा सॉस, ये लिया है कोकोनट ऑयल पैराशूट का, और नूपुर हिना मुझे काफ़ी पसंद है, इसका अच्छा कलर आता है, जैसे कि मैं एक बार कलर करती हूँ एक बार मैं हिना करती हूँ, ऐसे हमेशा कलर नहीं करती रहती हूँ, दैट्स नॉट गुड फॉर हेयर। तो ये नूपुर हिना लिया है, नूपुर नहीं नूपुर। फिर हमने लिया है ये कौन सा बिस्किट है अभी, यूनिबिक का बिस्किट। फिर हाँ ये वाला शैम्पू अभी करता है, दिखाती हूँ आपको, पतंजलि का केश कांति अभी करता है, मैं भी करती हूँ कभी कभी, ये बहुत पसंद है अभी को। वाइट टोन पाउडर प्रिशा ने अपने लिए लिया है। और फिर हमने क्या लिया है, राखी ली है गणपति बप्पा की, डी मार्ट में मिल रही थी 20 रुपए की राखी, तो बहुत प्यारी है, उनके हाथ में तो छोटी सी चाहिए होती है तो वो सूट करेगी। कंघी ली है एक विवेक ने अपने लिए, और क्या लिया है, हाँ ये मिक्स फ्रेश फ्रूट में बहुत हैवी डिस्काउंट था, ये आई थिंक 500 ग्राम है, हाँ 500 ग्राम, और ये 600 के हैं लेकिन ये हमें 200 में मिल गए। डी मार्ट पे इतना ज़्यादा फायदा होता है मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं सारे, जैसे हलवे वगैरह में डालने को चाहिए होते हैं। ये अभी ने एक कास्की ली है कंघी, अभी करके देख कैसी लगती है बालों में, मेरा बच्चा कितना प्यारा है। और इसके अलावा बस बस हो गई, शॉपिंग पूरी हो गई, दैट्स इट हो गया, चलो अब भर देते हैं, दीदी को बुला ले, दीदी भरने का काम करती है। और ये एक डायरी ली है, ये तुम लोगों ने खरीदी है कि मिली है बेटा, नहीं अच्छा चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को जो है निन्नू आ रही है और मेरी वजह से मेरा बच्चा अपनी निन्नू छोड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मम्मी को काम कर ले, कभी कभी ना पता है मेरे, अभी आपसे मतलब जब मैं ये सब दिखा रही थी ना, दिखाते दिखाते जब बीच में मैंने 2-3 बार इसकी तरफ देखा तो ऐसे आईज में टीयर्स आने वाले थे, लेकिन आई स्टॉप्ड। समटाइम्स ये लोग मेरी वजह से बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, ये लड़का सुबह 5:30 उठता है तो इसने अभी तक तो सो जाना चाहिए था, लेकिन इसे लगा कि मम्मी ने सामान यहाँ रख दिया है तो मम्मी फिर कहाँ उठा के ले जाएगी। कैसे रोते नहीं है, तब प्यारा है अभी तक इतना सेक्रीफाइस, लव यू मेरा। ये कास्की तो बहुत अच्छी है, देखो गाइस इसके बाल कितने सुंदर लग रहे, खाली बाल तो दिखा दे। अच्छा देखो एक मिनट ऐसे ही रहना, ये ना इसने वहां से ली है, देखो कितने ऊपर फ्लफी बाल हो गए, वाओ ये इसने डी मार्ट से लिए, ये देखो। और ये ना पता है ऐसी है, ये पूरी दब जाती है, अच्छी है बहुत। दीदी को बोला, दीदी हेल्प करेगी, शील हेल्प इट आउट, मैं ही दिखा रहा हूँ। गाइस हमेशा पापा ऐसी ही कास्की लेते, कुछ भी हो जाए, पुराने टाइप के है ना। और ये अबू की है, चलो इस ब्लॉग में यही एंड करती हूँ, लव यू गुड नाइट, मेरे बच्चे को सोना है, लव यू, दीदा को बोला। और ये मेहंदी सच में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कलर आता है, मैं तो आज नहीं मतलब अभी तो मैंने कलर लगाया हुआ है, बट मेहंदी भी कर सकते हैं, तो कभी मैं कलर कभी मैं मेहंदी करती हूँ। चलो अब यहाँ पे देखो कैसे हो गया है, अब पूरा बेड खाली करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे को सोना है, गुड नाइट, लव यू, शोना चल अब फैल गया सारा मेरे बच्चे का काम, मेरे बच्चे का काम। चलो मिलके करते हैं।